उधर नैनीताल पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने 19 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है। पर्यटन मंत्री ने कहा कि कला को बढ़ावा देने के लिए राज्य में ललित कला एकेडमी के निर्माण के लिए प्रयास किया जाएगा। उधर हाईकोर्ट के शिफ्टिंग वाले बयान पर सतपाल महाराज ने कहा कि वो वकीलों को विकल्प दे रहे हैं और उनकी संतुष्टि के बाद जगह बदली जाएगी। 19 करोड़ बाद में हजार के अंदर ये जो हमने सारी जो योजनाओं का लोकार्पण हुआ है, इसमें PWD है, सिंचाई है और पर्यटन की योजनाएं हैं। और इसके साथ साथ हमारा आगे प्रयास होगा कि उत्तराखंड में भी ललित कला अकेडमी हो ताकि यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिले। हम ये चाहते हैं कि वकीलों के लिए जो है कार पार्क हो, सुविधाएं मिले उनके मुवक्किलों के लिए कार पार्क हो, तो निश्चित रूप से हमारा ये प्रयास होगा। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वो चाहेंगे तो निश्चित रूप में दूसरी जगह भूमि देकर इनके एक्सपेंशन के लिए, उनके कार पार्क के लिए, उनके वकीलों के कार पार्क के लिए सुविधा जो है वो दी जाए। और उसके लिए हम लोग जो है निश्चित रूप में से एक उनको आग्रह करेंगे। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड CM प्रत्याशी आज दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा किया और वहां की सरकार की उन्होंने तारीफ की। ट्वीट कर लिखा कि आज हम राजकीय सर्वोदय कन्या बाल विद्यालय वेस्ट विनोद नगर दिल्ली की फैकल्टी और स्टूडेंट से हमने मुलाकात की। दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों को इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाता है, जिससे वो छोटे बच्चों के लिए हैप्पीनेस क्लासेस लर्निंग टूल्स को इंक्लूड कर इनोवेटिव बनाने की कोशिश की जाती है। और इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, तारीफ की है शिक्षा को लेकर। और उन्होंने कहा कि फ्री को लेकर जो हम लगातार वादे कर रहे हैं, चाहे फ्री बिजली हो, शिक्षा हो, उन तमाम वादों को लेकर उसी पैटर्न पर दिल्ली में कामकाज अच्छा हो रहा है। उधर उत्तराखंड में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दावेदारी भी शुरू कर दी है और इसी वजह से पार्टी के कार्यकर्ताओं की दावेदारी को परखने के लिए आज हरिद्वार में स्क्रीनिंग कमेटी ने अलग अलग विधानसभाओं के प्रत्याशियों का साक्षात्कार किया। जहां हरिद्वार विधानसभा सीट पर 9 लोगों ने दावेदारी की, तो वहीं सबसे ज्यादा ज्वालापुर विधानसभा सीट पर 21 कार्यकर्ताओं ने टिकट की मांग की है। खुशी है कि आज हमारे स्क्रीनिंग कमेटी का यह 5वें दिन का दौरा है, जहां पर हम श्रीनगर, अल्मोड़ा, हल्द्वानी और कल देहरादून, और आज 5वें दिन हम हरिद्वार में हम ये हमारे कांग्रेस के वीर सिपाहियों से, इच्छुक उम्मीदवारों से मिल रहे हैं। कुल 70 विधानसभा क्षेत्र का हम वो करेंगे। अभी आपके पास बात करते हुए मैं समझता हूँ कि हमारी 58-60 विधानसभाओं के प्रत्याशियों से, इच्छुक उम्मीदवारों से हमने बातचीत की। देखिए, मैं तो अपना टिकट 100% मान रहा हूँ, क्योंकि 2012 में मैंने चुनाव लड़ा था और लगभग 34,000 वोट मैंने प्राप्त किए थे, जो हरिद्वार विधानसभा में ना मेरे से पहले और ना मेरे से बाद में किसी भी कांग्रेस के नेता को नहीं मिले। ये सभी जगह रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसकी। पार्टी जो अच्छा सोचेगी उसको टिकट देगी।